वेलकम बैक बियर फॉर्म स्टार्टअप शेफ चैनल में स्वागतम। दोस्तों आज का जो रेसिपी लेकर आया हूँ वो भी अंडा करी। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इस तरह का जो अंडा करी। तो दोस्तों मैं जो है आपको रेसिपी शेयर कर रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके में। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस तरह का अंडा करी बना सके, वो भी बगैर स्किप करके आप देखेंगे तो आप बना पाएंगे इस तरह का अंडा करी बहुत ही आसान। दोस्तों ये जो है हमारा अंडा जो बल्क क्वांटिटी में हम लोग बनाएंगे वो भी 90 पीस का। तो सबसे पहले क्या है ना दोस्तों, पानी रखे थे कढ़ाई पे। कढ़ाई में क्या है ना, नॉर्मल सा पानी है, उसमें आराम से अंडा इस तरह से देख लीजिए डाल दिए, ऐड कर दिए। अंडा ऐड करने के बाद में क्या है ना, दो पीस जो है लेमन इस तरह से ऐड कर देते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है सॉल्ट इस तरह से 100 ग्राम डाल देते हैं, ऐड कर देते। तो देख लीजिए इस तरह से जो है अंडा बॉईल हो गया। अब क्या है ना दोस्तों, ये 100 ग्राम्स हमारा होल रेड चिली है, 25 ग्राम हमारा ब्लैक पेपर है, 30 ग्राम्स हमारा सौंफ है और 40 ग्राम जो है होल धनिया और 200 ग्राम जो है हमारा कैश्यूनट। ये जो है हमारा 5 केजी जो है टमाटर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में क्या है ना दोस्तों, इसको पानी ऐड करते हैं ताकि जो है हम लोग इसका ग्रेवी बना सके और बॉईल कर सके सेपरेटली। जो है अंडा करी का जो मसाला होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें और इस रेसिपी से आप बनाने का कोशिश करें। तो देख लीजिए इस तरह से जो है हम लोग बॉईल कर दिया। अब बॉईल करने के बाद में क्या है ना दोस्तों, इसको ग्राइंडिंग करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए एक फुट पैन में निकाल देता हूँ ताकि हम लोग बॉईल फुट पैन में निकाल कर इसको अच्छी तरह से ठंडा करके। ठंडा करने के बाद में क्या है ना दोस्तों, देख लीजिए इस तरह से पूरा ठंडा हो गया। तो ठंडा करने के बाद में क्या है ना दोस्तों, इसको ग्राइंडिंग करना है। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये हमारा ग्राइंडिंग मशीन है। अब क्या है ना दोस्तों, इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि हम लोग इसका ग्रेवी पूरा फाइन पेस्ट कर सके। तो आपको फाइन पेस्ट करते हुए आपको दिखा दूंगा कितना फाइन पेस्ट करना है। तो दोस्तों इसका जो ग्रेवी है ना बहुत ही जबरदस्त होता है। मैं जो बना रहा हूँ आप सभी के लिए दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी क्या है ना, दोस्तों लेके जाएंगे इसको और बनाएंगे इसका जो अंडा मसाला जो करी बनाएंगे आपको दिखा देंगे। चलो देख लो इस तरह से पूरा फाइन है। तो आप जरूर इस तरह का जो फाइन पेस्ट कर दे। तो मैं जो है बड़ा वाला ब्रांडिंग में किया हूँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है ना दोस्तों, ऑयल ले लेता हूँ। देख लीजिए इस तरह से जो हमारा 90 पीस जो एक है उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मल सा ऑयल ले लियो। 5 से 7 पीस हमारा बेलीफ है और 10 से 15 हमारा ग्रीन कड़ामम है और 2 स्पून जो है जीरा, होल जीरा जिसको बोलते हैं क्यूमिन सीड, इस तरह से ऐड किया हूँ ताकि हमारा जो गर्म मसाला जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया। फ्राई होने के बाद में क्या है ना दोस्तों, 1 केजी का जो है ओनियन चॉप इस तरह से ऐड कर दिया। उसको भी क्या है ना दोस्तों, अच्छी तरह से जो है उसको सते करना है ताकि सते अच्छे हो जाएगा तो आप उसको मसाला ऐड कर सकें। देख लीजिए ये हमारा मसाला ट्रे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है चिली पाउडर जो है 2 स्पून ले लेते हैं ताकि जो स्पाइसी भी हो सके और कलरफुल भी हो सके। और 2 स्पून जो है रोस्टेड जीरा पाउडर 2 स्पून इस तरह से ऐड कर दिया हूँ। और 2 स्पून जो है हमारा धनिया पाउडर भी इस तरह से ऐड कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्ट टू टेस्ट। तो अभी क्या है ना दोस्तों, सॉल्ट 2 स्पून ऐड कर दिया हूँ। अब क्या है ना दोस्तों, ये है जो होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 स्पून तक हम लोग ड्राई कस्तूरी मेथी इस तरह से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए हमारा जो ओनियन जो है अच्छी तरह से सते हो गया। सते होने के बाद में क्या है ना दोस्तों, 100 ग्राम जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट इस तरह से ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद में इसको अच्छी तरह से भून देता हूँ। अब क्या है ना दोस्तों, जो मसाला रेडी करके रखा था इसको ऐड कर देता हूँ ओनियन के साथ में। जो हमारा फ्राई ओनियन था इसमें ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद में क्या है ना दोस्तों, उसको अच्छी तरह से जो है मसाला को भून देना है ताकि जो हमारा मसाला जो है कच्चापन ना रहे। तो इसी तरह से जो है मसाला को अच्छी तरह से भून देना है। अब क्या है ना दोस्तों, हमारे पास जो ग्रेवी हम लोग जो ग्राइंडिंग करके रखे थे अब इसको ऐड कर देते हैं। इसको क्या है ना दोस्तों, ग्रेवी को अच्छे से अच्छा पकाना है। तो अभी क्या है ना दोस्तों, देख लीजिए इस तरह से ग्रेवी ऐड कर दिया और रिमाइनिंग जो पानी रखा था उसको भी ऐड कर देता हूँ। ऐड करके क्या है ना दोस्तों, इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से ग्रेवी को कुक करना है ताकि जो ग्रेवी अंडा करी का जो ग्रेवी होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप ज़रूर इस तरह का ग्रेवी बना सके। देख लीजिए इस तरह से जो है 10 से 15 मिनट हमारा जो ग्रेवी है अच्छी तरह से कुक हो गया। अब क्या है ना दोस्तों, लास्ट में जो है मैं ऐड कर देता हूँ 1 स्पून जो है गर्म मसाला पाउडर। इस तरह से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में क्या है ना दोस्तों, सॉल्ट टू टेस्ट एंड स्पाइसी चेक कर लेना और इसी तरह से जो है
आप बना सके। तो आप क्या ना दोस्तों, हमारा जो ग्रेवी है रेडी हो गया। आप क्या ना दोस्तों, इसको अंडा ऐड कर देते हैं। तो अंडा ऐड करने के बाद क्या है ना, इसको 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम में कुक करना है और थोड़ा सा जो फ्रेश धनिया रखा था उसको भी ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने के बाद क्या है ना दोस्तों, इसको स्लो में मिक्स करना है ताकि जो अंडा है टूटना नहीं चाहिए। आराम से इसको स्लो फ्लेम में इसको कुक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से जो है मैं आपको अंडा करी का रेसिपी आपको शेयर किया हूँ। तो इससे भी आसान नहीं हो सकता है, मैं जो बनाया बहुत ही आसान तरीके में आपको रेसिपी शेयर किया हूँ। तो देख लीजिए हमारा जो अंडा करी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। तो दोस्तों आप ज़रूर एक बार कोशिश करें इस तरह का अंडा करी बनाने का। दोस्तों अभी क्या है ना, हमारा रेडी हो गया। आप क्या है ना दोस्तों, इसको खाली कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।